हल्द्वानी तराई केंद्रीय वन प्रभाग रुद्रपुर की हल्द्वानी रेंज के वन विभाग टीम ने पिछले एक साल में अवैध लकड़ी एवं लीसा व अवैध खनन तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्यवाही करते हुए आधा दर्जन से अधिक केस दर्ज कर उनसे 5 लाख से अधिक का जुर्माना वसूल लिया है। वहीं वन विभाग की इस कार्यवाही से उक्त वन तस्करों में हड़कंप मचा हुआ है। आपको बताते चले कि तराई केंद्रीय वन प्रभाग रुद्रपुर के हल्द्वानी रेंज के वन क्षेत्र अधिकारी उमेश चंद्र आर्य के नेतृत्व में वन विभाग की टीम लगातार अवैध खनन व लकड़ी तस्करी व लीसा तस्करों के खिलाफ कार्यवाही करती आ रही है और वन विभाग की टीम ने बीते सालों में आधा दर्जन से अधिक केस दर्ज कर उनके 5 लाख तक का जुर्माना वसूल लिया था। इन मामलों में शामिल 6 वन तस्करों को वन विभाग की टीम ने गिरफ्तार कर उन्हें जेल भेज दिया है। इधर हल्द्वानी रेंज के वन क्षेत्र अधिकारी उमेश चंद्र आर्य ने बताया कि प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देश में हल्द्वानी रेंज के वन विभाग टीम द्वारा अवैध खनन व लकड़ी तस्करी एवं लीसा तस्करों के खिलाफ अभियान जारी है। उन्होंने कहा कि उनके द्वारा बीते एक साल में 6 से अधिक केस दर्ज किए गए हैं तथा 3 वाहनों को सीज किया गया है, जिसमें 300 से अधिक नग अवैध लीसे से लदा वाहन भी शामिल है। 5 टीमों में हमने 6 आदमी रखे गए हैं और जो प्रतिदिन हमारी रात्रि में ड्यूटी करती है, जिसमें वाइल्ड लाइफ हो गया और ये हाथी से सुरक्षा गांव वालों की फसलों का सुरक्षा के लिए हो गया और अपने वनों की संपदा को रखवाली और वाइल्ड लाइफ के लिए हमने अलग अलग टीमें बनाई हैं जो रात भर गश्त करती हैं और रूटीन से वर्क करती हैं। बाकी कर्मचारी से दिन में जो जो अपनी बीट में सेक्शन में तैनात हैं वो अपने दिन भर अपने बीट और सेक्शन के अंतर्गत गश्त करेंगे और रात में जो हमारी टीमें नियमित की गई हैं वो निर्धारित समय पर पूरे क्षेत्र में रहेंगी, गश्त करेंगी और जो भी सूचना होगी उसको यहाँ पर हमें अवगत कराएंगी। हमारी यह दस्तगढ़ की कार्रवाई फिलहाल चल रही है और हमने पूरे डिवीजन की टीमें बना रखी हैं जिनमें सभी आरोपी शामिल हैं और प्रभागीय वनाधिकारी महोदय उपप्रभागीय वनाधिकारी महोदय के निर्देशन में जो भी हमें दस्तगढ़ की कार्रवाई करनी होती है उनके निर्देशों में हम करते हैं। चाहे किसी के यहाँ छापा मारना हो, किसी को गिरफ्तार करना हो, उन्हीं के निर्देशों के अनुसार कार्रवाई की जा रही है।